ये एक तो हमारा बलूचिस्तान है, इसको पीछे रखने के लिए जो साजिशें हो रही हैं, हम तालीम दोस्त लोग हैं, हम कहते हैं हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम की तरफ आएं। इजलास का दौरान यह, क्योंकि इस दौरान था नहीं, इससे पहले भी मैं आप लोगों की नॉलेज में लाऊं कि जब इन्होंने प्राइवेट हॉस्टल्स को बंद किया, जिस दिन मैं गई इन बच्चियों के पास, इससे पहले जो स्टूडेंट्स थी वहाँ पे बीएमसी हॉस्टल में रहने वाली, वो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स, उस दिन अगर आप आके उस हॉस्टल का हाल देखते, उस दिन तमाम बच्चियों का सामान निकाल दिया गया था, पूरी बख्तरबंद गाड़ियाँ लाई गई थी, मैं रात 2:30 बजे तक उन बच्चियों के सर पे थी कि इनको कमरे अलॉट करवाए जाएँ। गवर्नर साहब के साथ मीटिंग की गई, वीसी ने इन बच्चियों के हवाले से ट्विटर पर नाजेबा अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किए जिनको शायद इस फ्लोर पे मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद कल फिर एक जो उनके जो रूम्स अलॉट करवाते हैं, कोई खोसा साहब हैं वट एवर, उन्होंने जो जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है इन बच्चियों के साथ, वो एक वीडियो वायरल हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर ने जिस तरह औकात दिखाने की बात की है, जनाब स्पीकर, अगर हम इसी तरह हमारी बच्चियां जलालत के उस पर आएंगी, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बैठे हुए कोई भी अपनी बच्ची को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए फिर नहीं छोड़ेगा। जहाँ भी उनके बच्चियों को हॉस्टल से निकाल के, जो उनका राइट है, रोडों पे वो आके बैठ जाती हैं, कोई उनके पास जाता नहीं, जब हम जाते हैं तो मज़ीद उनको जलील करने के जो है ना वो तरीके ढूंढते हैं। कभी उनको किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक कर देते हैं, कभी उनको दहशतगर्दों के साथ उनका नाम मुंसलिक किया जा रहा है। खुदारा इस फ्लोर पे हम बैठे हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो यहाँ से पढ़ के जाएंगे, कितने दिनों तक उन बच्चों ने वहाँ बाहर हॉस्टल के पुरअम अपना एक टेंट लगा के, बाकायदा रिहाइश पजीर थे वो वहाँ पे, बाकायदा वो स्टूडेंट्स थे, वो ना पीजीस थे ना हाउस जॉब से उनका ताल्लुक था, वो वहीं पे थे। और जो अख्तर हुसैन भाई कह रहे थे, जो वहाँ सर्व करते हैं हॉस्पिटल में, जो प्रैक्टिस में बच्चियाँ हैं, उनको निकाल के आप बाहर कहीं और एडजस्ट करते हो, और उन्हीं हॉस्टल्स के हवाले से आप नेगेटिव वीसी जो है ना बातें करता है। तो खुदारा इस फ्लोर पे वाकई कमेटी बने, इस पे एक्शन लिया जाए। अगर हमारी इंतज़ामिया इस तरह के इकदाम करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं पढ़ेगा बलूचिस्तान, आगे बढ़ेगा बलूचिस्तान। वो तो हमारे राहों में रुकावट डालने के लिए सारे काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इस तरह के अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए, इस पे सख्ती से एक्शन लेना चाहिए।